have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे. कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा. The number you have called is currently switched off. The number you have called is switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है. माँ निधि का फोन बंद आ रहा है. आशीष का फोन भी ट्राई किया, वो भी बंद आ रहा है. कल मैंने दोनों को फोन लगाया था, तब भी दोनों के फोन बंद थे. अतुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. माँ तुम एक काम करो, आशीष के पापा का फोन ट्राई करो. हो सकता है आशीष और निधि रितिका और आर्यन को लेकर कहीं बाहर गए हो, या हो सकता है उसके घर कहीं गुरुग्राम में गए हो. नमस्ते गायत्री जी, बहुत दिनों के बाद. रविंद्र जी, आशीष और निधि बच्चों को लेकर वहाँ दिल्ली आए हैं क्या? दो दिन से मैं उन्हें फोन लगा रही हूँ, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं. नहीं तो आने वाले थे क्या वो लोग? लेकिन आशीष ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं. और ऐसे कैसे दोनों का फोन बंद आ रहा है? आपकी कुछ बात हुई थी इन दिनों उनसे? उन्होंने कुछ बताया था ऐसा कि कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हो? और गायत्री जी, एक हफ्ता पहले मेरी आशीष से बात हुई थी, वही हर बार की तरह हालचाल जानने के लिए बस. मेरी भी चार दिन पहले बात हुई थी निधि से, बातों से लग रहा था कि वो परेशान है. और अब दो दिन से उनके फोन भी बंद आ रहे. कुछ हुआ था क्या गायत्री जी? निधि परेशान क्यों थी? आशीष ने इस बारे में कुछ मुझे बताया भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं किया. उसकी बातों से लग रहा था कि वो परेशान है, पर उसने कुछ बताया नहीं. अब मुझे भी चिंता हो रही है गायत्री जी, उन दोनों का फोन ऐसे बंद नहीं रहता है. और दोनों बच्चे कहाँ हैं? आशीष की वाइफ. ओ हाँ अतुल, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जोधपुर में हूँ. मैंने बस इसलिए फोन किया था कि आशीष ऑफिस आया है क्या? आशीष तो पिछले दो दिन से ऑफिस नहीं आया, और उसने ना ही किसी को कुछ बताया है. यहाँ तक कि उसने हमारे बॉस नितिन को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. मैंने कहा भी था उससे कि जाने से पहले नितिन सर को बता के जाए. वो कहीं जाने वाला था, कुछ बताया उसने? हाँ फोन आया था उसका दो दिन पहले. विवेक, मैं निधि और बच्चों को लेकर महाबलेश्वर जा रहा हूँ चार दिनों के लिए. आज पूरे वेस्टर्न डिवीजन सेल्स टीम की मीटिंग है ऑफिस में, और तू बोल रहा है तू महाबलेश्वर जा रहा है? प्लान अचानक बना, मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा. कब बनाए प्लान? कल तो तूने इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बताया, और ये मीटिंग तो पिछले दो हफ्ते से फिक्स है. विवेक मुझे जाना पड़ेगा, तू किसी तरह मैनेज कर लेना वहाँ पर. तो एक काम कर, तू मुझे नहीं नितिन सर को इन्फॉर्म कर. भाई बॉस वो है, मैंने तू बता देना सर को. और क्या बोलूँ, तू इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के महाबलेश्वर घूमने जाना है? नहीं नहीं भाई, तू इन्फॉर्म कर दे, नहीं तो महाबलेश्वर तू घूमने जाएगा और बॉस की डांट मैं सुनूंगा. ठीक है रहने दे, मैं ही बता देता हूँ सर को. लेकिन अतुल, आशीष ने नितिन सर को कुछ बताया ही नहीं, बिना बात किए चला गया, और यहाँ अकेला सारी प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ. महाबलेश्वर में कहाँ रुकने वाले थे, कुछ बताया उसने? नहीं कुछ नहीं बताया आशीष ने, बस इतना ही कहा था कि चार दिनों के लिए वो महाबलेश्वर जा रहा है. आशीष शर्मा, निधि शर्मा और उनके बच्चे आर्यन और रितिका को घर से गायब हुए अब चार दिन बीत चुके थे, और उनके परिवार वालों के पास उनकी कोई खबर नहीं थी. निधि का भाई अतुल, जो कि जोधपुर में रहता था, और आशीष के पिता रविंद्र शर्मा, जो गुरुग्राम में रहते थे, अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे. सर ये मेरी बहन निधि शर्मा, और ये उसका पति आशीष शर्मा, और ये आर्यन और रितिका. आपने इनके घर पे चेक किया? किया था सर, वहां ताला लगा है सर. सिक्योरिटी और पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिन से उन लोगों ने देखा ही नहीं है इनको. महाबलेश्वर में ये लोग रुकने वाले कहाँ थे? पहले भी कभी गए हैं वहाँ? सर आशीष ने अपने कलीग विवेक को सिर्फ इतना बताया था कि वो वहाँ जा रहे हैं, हमें तो इस वैकेशन के बारे में पता ही नहीं था. कहाँ रुकने वाले हैं ये कहाँ से पता होगा सर? हम बच्चों के स्कूल भी गए थे सर,
वहां भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। महाबलेश्वर का एक एक होटल चेक किया गया, लेकिन पुलिस को ना आशीष शर्मा या निधि शर्मा के नाम से कोई बुकिंग मिली और ना ही उनकी कोई खबर। मुंबई से महाबलेश्वर तक के टोल नाका के सीसीटीवी फुटेजेस से भी कोई लीड नहीं मिली। आशीष की कार ने कोई टोल नाका कभी क्रॉस ही नहीं किया था जो उन्हें महाबलेश्वर ले जा सके। सर, ये दो मोबाइल मिले। क्या दोनों फोन आशीष के ही है या आशीष और निधि के? हो सकता है सर, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो दोनों कौन सा मोबाइल यूज करते हैं। डॉक्टर कौन करा फोन? हम फार्मा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आशीष हमारी कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर है। वो शुरू से ही अपने काम में बहुत एफिशिएंट रहा है, इसलिए उसका अचानक ऐसे छुट्टी पर चले जाना बहुत अजीब है। उसने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। इनफैक्ट उसके इस बर्ताव से मैं काफी अपसेट भी हुआ था। क्या कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आशीष परेशान था? उसकी पत्नी निधि के भाई अतुल ने हमें बताया कि पिछले हफ्ते जब उनकी निधि से बात हुई वो काफी परेशान लग रही थी। नहीं सर, मेरी जब आशीष से बात हुई तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। मेरा मतलब है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ भी हो पर मुझे महसूस नहीं हुआ। और अगर वो परेशान था भी तो अचानक क्यों एक दिन उठकर महाबलेश्वर क्यों चला जाएगा और वो भी बिना किसी को बताए? वो लोग महाबलेश्वर नहीं गए। तो फिर कहां गए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऑफिस नहीं आ रहा, महाबलेश्वर नहीं गया, तो आखिर वो लोग गए कहां? मैं अभी मिली थी 5 जुलाई की दोपहर को उससे। बच्चों को बस स्टॉप से लेने आई थी, हमारी बात भी हुई। निधि ने तो कोई जिक्र नहीं किया महाबलेश्वर के बारे में। कविता जी, क्या हाल फिलहाल में निधि ने आपसे कोई ऐसी बात कही हो जिससे आपको लगा हो कि वो काफी परेशान है? निधि, तुम एक बार बीकेपी कोचिंग क्लासेस ट्राई करके तो देखो, उनके मैथ्स टीचर बहुत ही अच्छे हैं। कविता, मैंने आर्यन को ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कर लिया है, वही उसके लिए ठीक है। अरे तेरी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन ट्यूटोरियल में टीचर वहाँ खुद तो नहीं होता ना बच्चों को समझाने के लिए, बस कंप्यूटर पे सब कुछ बोल देता है। तू एक बार क्लासेस तो ट्राई करके देख, अगर तू हाँ बोले तो एक दिन मैं अपने पूजा के साथ आर्यन को भी ले जाती हूँ, एक दिन का फ्री ट्रायल ऑर्गेनाइज कर देती हूँ आर्यन के लिए। सच में ऐसे मैथ्स टीचर कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आशीष से बात करती हूँ। हमने बस रोजमर्रा की बात की थी, उन लोगों का महाबलेश्वर जाने का कोई प्लान है ऐसा तो नहीं बोला। हो सकता है उनके यहाँ घर काम करने वाली कमला को कुछ पता हो। मैडम, मैं 5 तारीख को गई थी उनके घर काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं उन्हें बाहर जाना है, वो भी 4 दिनों के लिए। हमेशा बाहर जाती है तो मुझे बता देती है। कमला, आशीष और निधि के बीच कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैं तो काम करके चली जाती है। 6 तारीख को भी आई थी काम करने के लिए तो वो वॉचमैन रमेश है ना, उसने बोला साहब और मैडम बच्चे लोग तब कहीं बाहर गए हैं। नमस्ते साहब, मैंने अतुल जी और साहब के पिताजी दोनों को बताया था। मैंने आशीष साहब और उनकी पत्नी को अपने बच्चों के साथ जाते हुए देखा था, और हाँ साथ में सामान भी था। और साहब, ये 15 नंबर का पार्किंग है ना, ये उन्हीं का है, गाड़ी वहीं लगी थी, वो आए गाड़ी में बैठे और निकल गए। और कोई नहीं था उनके साथ? और कोई नहीं था साहब, मैं ही ड्यूटी पे था, मुझे पक्का याद है। सर ये 6 जुलाई का फुटेज ट्रांसफर किया पेन ड्राइव में, इसमें चारों दिखाई दे रहे हैं, आशीष, उसकी वाइफ निधि और उसके दोनों बच्चे आर्यन और रितिका। महेंद्र जी के हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी किस्म का कोई टेंशन था? सोसाइटी में किसी ने कुछ सुना? सर ऐसा तो मुझे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया, और वैसे मैंने सोसाइटी में कविता जी, सेकंड फ्लोर वाली मीना जी और अश्विता जी से भी पूछकर बात की थी। ये सब भी निधि की बहुत अच्छी दोस्त हैं, इन्हें भी किसी झगड़े या परेशानी के बारे में कुछ नहीं पता। सर वैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ अंदरूनी बात हो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। सर आमतौर पे बच्चे तो घूमने फिरने के लिए काफी एक्साइटेड रहते, और यहाँ पर भी बच्चे एक्साइटेड हैं, लेकिन आशीष और निधि, इनके चेहरों को देख के लगता ही नहीं कि ये लोग खुश हैं। आप खुद ही देखिए, ऐसा लग नहीं रहा कि छुट्टी पे जा रहे, चेहरे पे इतनी उदासी। महाबलेश्वर वहाँ तो ये पहुँचे नहीं। हमने अपने तरफ से महाबलेश्वर का हर एक होटल, लॉज, सब जगह चेक करा, हमने सर्च ऑपरेशन तो लॉन्च कर दिया, पर किसी भी बाहरी खतरे की संभावना नजर नहीं आ रही। तो साफ है कि महाबलेश्वर वाली बात सिर्फ एक बहाना,
लेकिन असल बात कुछ और है, जो सिर्फ पति पत्नी के बीच हुई, जिसकी वजह से परिवार समेत कहीं चले गए। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में कुछ बात हुई हो और हमें भनक तक ना लगी हो। सर अगर दोनों का झगड़ा हुआ होता तो बच्चों पर उसका असर जरूर होता, बच्चे तो खुश नजर आ रहे हैं। हाँ लेकिन निधि और आशीष वो तो खुश नहीं, और हो सकता है बच्चों को भी कुछ ना पता, जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता। किसी खतरे में तो नहीं है सर? मुझे सच में उनकी बहुत फिक्र हो रही है सर। हो भी सकता, पर आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि अगर खतरा था तो कहाँ से, क्योंकि बाहर से कुछ नजर नहीं आया। रितिका ने कभी किसी परेशानी के बारे में नहीं बताया, मैंने उसके सारे क्लासमेट से बात की है, अगर कुछ होता तो किसी ना किसी से जरूर कहती। और आर्यन, उसकी तो 2 हफ्ते पहले ही पेरेंट टीचर मीटिंग थी, निधि भी आई थी उसमें, उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था वो थोड़ी भी परेशान है। वो लोग 6 जुलाई को निकले थे, उसके 4-5 दिन पहले रितिका और आर्यन के बर्ताव में कोई बदलाव? नहीं मैम, कोई भी बदलाव नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। रितिका भी बिल्कुल नॉर्मल थी, अगर कुछ बदलाव होता तो मैं नोटिस जरूर करती उसे। और अजीब बात तो ये है मैडम कि कल से आर्यन के क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी माँ उस बीच अपने बच्चों को छुट्टियों पे कैसे ले जा सकती है? 11 जुलाई 2017 आशीष शर्मा और उसके परिवार के गायब होने के ठीक 5 दिन बाद एक खबर आई, जिससे आखिरकार ये पता चला कि वो लोग पूरे परिवार के साथ अपनी कार लेकर मुंबई से किस तरफ निकले थे। इस खबर ने इस मिसिंग केस को और भी ज्यादा उलझा दिया था, लेकिन इस खबर की ही मदद से पुलिस को आखिरकार आशीष और उसके परिवार को ढूंढने में सही दिशा मिली थी। सर, दहीसर चकनाका के सीसीटीवी कैमरा में आशीष की कार की फुटेज मिली। दहीसर चकनाका? तो मतलब महाबलेश्वर तो नहीं गए, और आशीष ने विवेक को जो बोला था वो सिर्फ एक बहाना ही था। इस तरफ कहाँ जा सकते हैं लोग? एक तो यहाँ से सिर्फ गुजरात जा सकते हैं, या फिर घोड़बंदर रोड से राइट लेके नासिक से, नासिक साइड में जो टोल नाका है वहाँ की 6 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली, और गुजरात बॉर्डर पे भी इन्फॉर्मेशन भेज दी। दीपक मुझे लगता है कि सबके पीछे कोई अंदरूनी मामला छिपा हुआ है। इन चारों के फोटोग्राफ्स इधर दहीसर से गुजरात तक और उधर इगतपुरी से नासिक, सभी पुलिस स्टेशन में पहुँचाओ, देखते हैं शायद कहीं से कोई खबर आ जाए। गुजरात नासिक इगतपुरी, क्या इनमें से कहीं जा सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों बिना किसी को कुछ बताए हुए कहीं क्यों जाएंगे। निधि ने माता को कुछ नहीं बताया। गायत्री जी, क्या उसे निधि ने आपको अपनी परेशानी की वजह बताई थी? उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, पर उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है, और मैंने उसको पूछा भी, पर उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ माँ, सब ठीक चल रहा है, आर्यन और रितिका का स्कूल भी ठीक है। जरा बात तो करा दी बच्चों से। माँ सो गए दोनों, बाद में बात कराती हूँ कल या परसों में। और कुछ बोलना है? नहीं, तो ठीक है ना, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ मैं ठीक, बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही हूँ? कुछ तो बात है, तो इतना चिड़चिड़ा कर क्यों बोल रही है? मैं चिड़चिड़ नहीं कर रही हूँ, बस थक गई हूँ, अब बिना मतलब के मेरी चिंता करना छोड़ दे माँ। और कुछ बोलना है या मैं फोन रखूँ? मुझे ऐसा लगा कि आशीष से उसका कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए परेशान है और बताना नहीं चाहती। गायत्री जी, आपकी बेटी और दामाद के बीच कोई अनबन थी या वो दोनों खुश थे साथ? थोड़े बहुत झगड़े तो होते थे। ऐसे झगड़े हर घर में होते रहते, आशीष और निधि के बीच में अगर कोई झगड़ा होता भी था तो वो दोनों आपस में सुलझा रहते थे। माँ, रविंद्र अंकल, अब बात आम झगड़े की नहीं है, वो दोनों गायब हैं बच्चों के साथ, अब किसी से भी कुछ भी छुपा के क्या फायदा? तो अब तक बहुत कुछ छुपाया गया हमसे, क्यों अतुल? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आशीष और निधि के बीच में 2 महीने में काफी झगड़े बढ़ गए थे, और निधि माँ को भी कुछ नहीं बताती थी। जब उसने खुद से कुछ नहीं बताया तो आप लोग क्यों अंदाजा लगा रहे कि झगड़े बढ़ गए थे? रविंद्र अंकल, आप ही बताइए ना जो मुझे बता रहे थे। क्या बात है रविंद्र जी, अगर कोई भी बात है तो छुपाइएगा नहीं, शायद आपकी कोई बात हमें आपके बेटे बहू और उनके बच्चों तक पहुंचा सकती है। मैडम, अतुल सही कह रहा है, पिछले 2 महीने से आशीष हमसे ठीक से बात ही नहीं करता था, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। हाँ तो वो अपने काम को लेकर भी तो परेशान हो सकता है ना, लेकिन इस साल पहली बार हुआ है कि निधि बच्चों को लेकर छुट्टियों के महीनों जोधपुर नहीं आई। हाँ तो अगर वो आपके यहाँ नहीं आई तो इस बार वो गुरुग्राम भी तो नहीं आई। अरे लेकिन एक मिनट, इस झगड़े का कारण था क्या? यही तो नहीं पता मैडम, ना माँ को कुछ ठीक से पता है, ना रविंद्र अंकल को कुछ ठीक से पता है, आशीष और निधि ने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं। तो 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था?
बताइए अब सब चुप क्यों है? 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था 2 महीने पहले तक। मैडम उन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, पर यह बात पक्की है कि कुछ तो ठीक नहीं था उन दोनों के बीच में। परेशानी की कोई वजह तो थी। दहीसर टोल नाके से आशीष की कार की फुटेज मिलने के ठीक एक दिन बाद थाने डिस्ट्रिक्ट के मनोर के जंगलों में आशीष की कार मिलने की खबर आई। वहां पर देखो सबके। सर हमें ये गाड़ी उधर ही खड़ी मिली थी, अंदर का नजारा बहुत भयानक है, लाशें मिली। करीब 1 घंटे पहले ये गाड़ी यहाँ लोकेट हुई। वो जो चौथा आदमी है आशीष शर्मा, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। सर आशीष शर्मा की लाश नहीं मिली लेकिन तलाश जारी है। आखिर इस फैमिली में ऐसा हुआ क्या? इसने जबरदस्ती कुछ किया हो ऐसा लग तो नहीं रहा। सर चांसेस है कि ये केस सुसाइड का हो, पूरी फैमिली ने एक साथ किया, लेकिन सिर्फ आशीष की बॉडी नहीं। सर मैंने एक टीम भेजी पास की वेतन नदी के, लेकिन सारे देख के तो यही लग रहा है कि पहले सुसाइड करने की कोशिश की गई थी और फिर बाद में हिम्मत टूट गई। आशीष का है? आशीष या उसकी डेड बॉडी अब तक बरामद नहीं हुई। इन्हें देख के लगता है कि इन्हें जहर देके मारा गया। क्राइम स्पॉट पे हमें चॉकलेट का बॉक्स मिला, उसे एनालिसिस के लिए हमने लैब भेज दिया। इन्हें जहर दिया? लगता तो ऐसे ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कंफर्म कह सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारी तलाश जारी है, आज भी 3 डाइवर्स गए हैं नदी में लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। मैंने दूसरी टीम को नदी के आगे भी छानबीन करने के लिए कहा। इस केस में काफी गड़बड़, सुसाइड है या मर्डर, या फिर मर्डर को सुसाइड का रूप देखकर हमारे सामने परोस दिया गया। मौत की वजह सीवियर पॉइजनिंग है, इन सबको जहरीली दवाई दी गई थी। दवाई? किसी ड्रग कंपोनेंट का मिसयूज किया गया? हाँ, वेरामैक्सिन का इस्तेमाल किया गया था। बच्चों को भी यही दवाई दी गई है? हाँ, आपको एक चॉकलेट का बॉक्स मिला था। यस। दवाई शायद उसी में मौजूद थी। बच्चों को मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे कोलैप्स करने में और उनकी माँ को लगभग 10 मिनट लगे होंगे और मौत उसके तुरंत बाद ही हो गई। ऑफिसर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, चॉकलेट्स में वेरामैक्सिन मौजूद है, वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी। ये जो बंदा आशीष शर्मा फार्मा कंपनी में काम करता तो पक्का इस ड्रग के बारे में जानता होगा। इनफैक्ट हो सकता है कि इसकी कंपनी इस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूटर हो। हाँ सर, हमारी कंपनी वेरामैक्सिन की डिस्ट्रीब्यूटर है। आशीष सेल्स में था और इसके बारे में जानता था। सर यकीन ही नहीं आता कि आशीष इस तरह खुद की और अपने परिवार की जान ले सकता है। आशीष ने अपने बीवी और बच्चों को मारने के बाद खुद सुसाइड किया है या नहीं ये अब तक क्लियर नहीं है। हमें सिर्फ उसके बीवी और बच्चों की बॉडी मिली। इतना क्लियर है कि उसने वो जहरीले चॉकलेट्स क्राइम सीन पे नहीं खाए, इसलिए या तो आशीष या उसकी डेड बॉडी अब तक मिसिंग है। आर्यन, रितिका, ये लो। पापा मुझे बर्गर चाहिए। मुझे भी। लेकिन पापा आपने तो कहा था हम हाईवे पे रुककर बर्गर खाएंगे।
प्लीज पापा मुझे बर्गर ही चाहिए। बेटा उसमें थोड़ा टाइम, तब तक ये लो चॉकलेट्स खाओ। पापा लेकिन हम यहाँ क्यों रुके हैं? बेटा पापा थोड़ा थक गए, थोड़ा सा बस ब्रेक लिया है ना, थोड़ी देर के बाद चलेंगे, बहुत दूर जाना है ना यहाँ से। ये लो खाओ। की चार खाली बॉटल्स और दो सिरिंजेस, सुसाइड नोट कहीं नहीं मिला, पूरा घर छान मारा। परिवार में, ऑफिस में और आस पड़ोस में किसी को भी इनके घर की असली हालत की खबर नहीं, पर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई थी कि सुसाइड करने की नौबत आ, पर किसी को भनक तक नहीं लगी। इस सुसाइड को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया और ये बैरम एक्सन की खाली शीशियां भी इस बात का सबूत है। आखिर आशीष शर्मा था कहाँ? पुलिस को आशीष की बॉडी अब तक नहीं मिली थी। क्या आशीष और निधि दोनों ने सोच समझकर साथ मिलकर इस सुसाइड को प्लान किया था? और अगर ऐसा था भी तो इस प्लान में बच्चों को क्यों शामिल किया गया? और ऐसी कौन सी बात थी जिससे पूरा परिवार इतना परेशान था? और फिर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आशीष और निधि ने अपने अपने परिवारों से बात तक नहीं की? आशीष और निधि के परिवार और जान पहचान वालों के अलावा पूरा शहर ही इस विचित्र सामूहिक आत्महत्या के केस के बारे में सुनकर हैरान था। कई अनुमान लगाए जा रहे थे लेकिन सब के सब सच से कोसों दूर थे। तीन लाशें मिल गई थी लेकिन चौथी लाश का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए ऐसा भी हो सकता था कि आशीष शर्मा जिंदा हो और गायब हो। इस भयानक जुर्म को अंजाम देने का कोई ठोस मकसद अब तक सामने नहीं आ पाया था। मैडम आशीष और उसकी पत्नी निधि शर्मा के अकाउंट डिटेल्स, उनका एक हाउसिंग लोन है लेकिन कभी उसका डिफॉल्ट नहीं हुआ, सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर आई है। कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कोई खरीदी बिक्री जो गैरकानूनी हो? मैडम इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको आशीष शर्मा की कंपनी या उसके सीए से बात करनी चाहिए। हाँ, इस हाउसिंग लोन के अलावा उसके चार एफडीज, एक म्यूचुअल फंड अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट भी है। अगर मुझसे पूछिए तो मुझे नहीं लगता आशीष शर्मा किसी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। सर पिछले छह महीनों में कंपनी के काम के सिलसिले में आशीष भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ और पटना जाते रहे। क्या इन सभी जगहों पे अकोमोडेशन आपकी कंपनी देती? जी हाँ, सारी डिटेल्स हैं हमारे पास सर, MN ग्रुप ऑफ होटल्स। जब भी कोई एम्प्लॉई कंपनी के काम से बाहर जाता है तो यही रुकता है। क्या आशीष पर काम या परफॉर्मेंस का कोई स्ट्रेस था? काम का और परफॉर्मेंस का स्ट्रेस किसके ऊपर नहीं होता, मेरे ऊपर है, विवेक और कंपनी के पूरे स्टाफ के ऊपर है। पर उसके ऊपर अलग से ऐसा कौन सा स्ट्रेस था ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर सर उसको कोई स्ट्रेस था भी, कोई टेंशन थी भी, तो किसी से वो बात करता, किसी को बताता। और सर आपके कहने पर मैंने हमारे सारे क्लाइंट से बात भी की है, स्पेशली जिनके साथ आशीष डील करता था, लेकिन उनमें से भी किसी ने नोटिस नहीं किया कि आशीष परेशान था। ऐसा भी क्या टेंशन थी, कौन सा स्ट्रेस था जिसके चलते उसने पूरे परिवार को मार दिया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा? सर मैंने आशीष और निधि के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डिटेल्स को बारीकी से स्टडी किया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लगता, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ही जो गलत या गैर कानूनी हो। जैसे बैंक मैनेजर ने हमसे कहा था, फैमिली में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। सर आशीष की फोटो को कलकत्ता, भुवनेश्वर, पटना और उन सभी जगहों पे भेजा जहां पर वो काम से जाता था और उन सभी होटल्स में भी जहां पर वो रुकता था। दीपक मुझे नहीं लगता कि आशीष इनमें से किसी भी जगह जाएगा, अगर वो जिंदा है तो, और अगर ये सुसाइड नहीं मर्डर है तो,
जो कि शायद आशीष ने बहुत सोच समझ के की। मर्डर नहीं लगता, यही तो अजीब बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि तीनों बॉडी पर स्ट्रगल मार्क्स नहीं है। निधि, आर्यन, रितिका तीनों ने चॉकलेट्स खुद खाई थी। सर, अगर हम मान भी लेते हैं कि रितिका और आर्यन को डरा धमका के चॉकलेट्स खिलाई, लेकिन फिर भी निधि का क्या? उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, उसने वो जहर वाली चॉकलेट्स चुपचाप खा ली। कि घर वाले भी कुछ नहीं जानते, कितना अजीब। घर में इतना कुछ हुआ और हर कोई एक ही रट लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। सर, होपफुली आशीष हमें जिंदा मिल जाए, क्योंकि अगर उसकी भी डेड बॉडी मिलती तो शायद एक केस हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा और मकसद कभी सामने ही नहीं आएगा। जंगल के चप्पे चप्पे में खोज की गई, एक एक कोना छाना गया, लेकिन आशीष शर्मा की बॉडी कहीं नहीं मिली। ये तीन सुसाइड्स और गुमशुदा आशीष शर्मा का रहस्य पुलिस के लिए भी उतना ही उलझा देने वाला था जितना कि उन दोनों के परिवारों के लिए। विक्टिम्स के परिवार वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो जरूर कर रहे थे, पर उन सबकी मौत हुई क्यों, ये अब तक एक रहस्य ही था। आशीष शर्मा जिंदा था और दर दर भटक रहा था, दिशाहीन और निर्जीव। हम सब गले में फंदा लगाकर पंखे से लटक कर मर सकते हैं, पहले बच्चे, फिर तुम, फिर मैं। हम सब जाकर नदी में कूद कर अपनी जान देंगे। नहीं आशीष, ये नहीं होगा मुझसे। निधि, यही सबसे आसान तरीका है, सब साथ में मर जाएंगे। नहीं, नहीं। समझने की कोशिश करो, इसके अलावा जो भी तरीका होगा वो बहुत दर्दनाक होगा, हम सबकी बर्दाश्त के बाहर। हमारा तो ठीक है, मगर बच्चों का क्या? निधि, 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 प्लीज मेरी बात समझो, नदी में कूद के जान देना ही सबसे सही। नहीं आशीष, नहीं। पूरी जद्दोजहद के साथ आशीष को आसपास के सभी शहरों में ढूंढ रही थी, लेकिन आशीष इसी शहर मुंबई में भटक रहा था और अब तक पुलिस की नजर में नहीं आया। एक रेप्यूटेड फार्मा कंपनी का एफिशिएंट एम्प्लॉय आशीष शर्मा लोगों के दिए गए दान भिक्षा पर जी रहा था। शायद उसने जो किया था उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इन भयानक आत्महत्याओं के पीछे का कारण और मकसद, और वो एक आदमी जिसकी वजह से ये सब हुआ, और इस सब के पीछे का सच अब सामने आने वाला था। और इस सच को सामने लाने वाला कोई और नहीं, खुद आशीष शर्मा था, जो शायद दर दर भटक कर अब थक चुका था, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। हेलो विवेक। आशीष, थक गया हूँ मैं, थक गया हूँ भटकते भटकते। आशीष, तू है कहाँ? मैंने तीनों को मार डाला, निधि, ऋतिका, आर्यन, सबको खत्म कर डाला।
आशीष तू है कहाँ इस वक्त, बोलना। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आशीष तू कुछ मत कर, तू मुझे ये बता तू है कहाँ, मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए। तेरी सोसाइटी के पास, तेरे घर के सामने वाली दुकान पर। आशीष तूने क्या कर दिया, क्यों किया, कुछ तो बोल। पर ये क्या हो गया तुझे। माँ अभी अभी फोन आया कि आशीष मिल गया। क्या उससे कुछ कहा, क्यों मार डाला उससे सबको। उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया माँ। मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, रविंद्र अंगल और कल्पना आंटी भी वहां पहुंच रहे होंगे। क्यों आशीष, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपने परिवार की जान लेने पर मजबूर कर दिया। हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया था, प्लान बनाया था आत्महत्या करने का। कई सारी तरीके ढूंढे, सबसे आसान यही लगा जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं हो। मैं किसी को भी दर्द नहीं देना चाहता था। निधि भी मेरी बात मान गई। तुम दोनों ने प्लान किया था सुसाइड का, आखिर क्यों। सर ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था, मैं घुट घुट के नहीं जीना चाहता था। सारी गलती मेरी थी, निधि और बच्चे बेकसूर थे। कैसी गलती आशीष, कौन सी गलती। आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसने तुम्हें तीन जिंदगी लेने पर मजबूर कर दी। आशीष आराम से बैठो, पीलो आशीष पानी पीलो। आशीष कितनी बार कहा है किसी अच्छी डॉक्टर से चेकअप करवा लो, आज चार दिन हो गए तुम्हारी उल्टी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ बाबा करा लूंगा, खुद परेशान हो गया अपनी तबीयत खराब होने की वजह से। तुम आराम करो। आशीष शर्मा जी 3500। मैम बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है। ये आपको सिर्फ डॉक्टर साहब ही बताएंगे, मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट देना है। आशीष तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले, जल्दी से कपड़े बदल लो, खाना तैयार है, मैं तब तक ऋतिका और आर्यन को खिला देती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना आशीष, क्या हुआ, कुछ बोलोगे। कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना चाहते हो। जब मैं ऑफिस के काम से पटना गया था, मैंने अपना चेकअप करवाया था और इस बार कोलकाता के ट्रिप में फिर से सारे टेस्ट करवाए। मुझे लगा पटना की रिपोर्ट गलत आई होगी, मगर दोनों जगह के रिजल्ट एक ही है। निधि हम HIV पॉजिटिव। आशीष लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई HIV पॉजिटिव तो नहीं। आशीष क्या किया है तुमने।
अब मैं निधि से और झूठ नहीं बोल सकता था, मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। कौन सा झूठ? ऐसा क्या था जो तुम अपनी पत्नी से छुपा रहे थे? मैं कोठों पर जाया करता था, हर उस शहर में जहां कंपनी मुझे काम से भेजती थी। कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लगातार तबीयत खराब रहती थी, भूख नहीं लगती थी, बहुत कमजोर हो गया था। मैंने पहले भी टेस्ट करवाए थे, लेकिन निधि को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। उसे क्या बताता, खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने कोलकाता में फिर से सारे टेस्ट करवाए। जो हो चुका था मैं उसे बदल नहीं सकता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरी गलती की वजह से कहीं निधि भी तो इस बीमारी की शिकार नहीं बन गई है। निधि इस बात से बहुत नाराज थी, परेशान थी, टूट चुकी थी, लेकिन हमारे हालात उससे भी ज्यादा भयानक थे। मेरे साथ साथ अब वो भी खुट रही थी। आखिरकार मुझे निधि को समझाना पड़ा कि इस बीमारी के चलते हमारी जिंदगी का अंत दर्दनाक ही होगा और हमारे बाद हमारे बच्चे बिखर जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। लगभग 2 महीने तक इस समस्या के बारे में बात करने के बाद निधि और मैंने ये तय किया कि ऐसी दुख और तड़प भरी जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना होगा। निधि, हम हमारी फैमिली और बाहर समाज के लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? इस बीमारी के नाम भरी लोग घिन से देखते हैं, और आर्यन और रितिका, उनका क्या? हमारे जाने के बाद क्या हाल होगा उनका? उनके माँ बाप की बीमारी का कारण जानने के बाद लोगों ने कभी चैन से जीने नहीं दिया। सबसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, हमें खुद को खत्म करना होगा। हमने मरने के कई तरीके ढूंढने की कोशिश की, फिर ये तरीका सामने आया। मैं एक आदमी को जानता था जिसके पास उसका स्टॉक था। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इसकी जरूरत है, और उसने वो बॉटल्स मुझे दे दी। तुम सबके मरने का प्लान था, पूरे परिवार? जी। तुम कैसे बच गए? बीमारी तो तुम्हें ही थी ना? मैं डर गया था सर, हिम्मत हार गया था मैं। मैं डर गया था, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वो चॉकलेट नहीं खा पाया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैं खुद को फांसी लगाने गया, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। बाद में कई दिनों तक यूं ही भटकता रहा, कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की, मगर कभी हिम्मत नहीं। सर, मैं गुनहगार हूं अपनी बीवी का, अपने बच्चों का। मैंने बहुत बेरहमी से उन्हें मरते हुए देखा है, सब मेरी वजह से। तो तुम्हारे HIV पॉजिटिव होने की रिपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे घर की तलाशी में तो हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, और ना ही घटनास्थल पर तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसी रिपोर्ट मिली। वो रिपोर्ट्स मैंने जला दी थी। निधि की रिपोर्ट्स, वो कहाँ है? मैंने निधि का टेस्ट नहीं करवाया था।
तुमने निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता था कि निधि एचआईवी पॉजिटिव थी? निधि की रिपोर्ट्स, वो कहाँ है? मैंने निधि का टेस्ट नहीं करवाया था। तुमने निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता था कि निधि एचआईवी पॉजिटिव थी? सर वो मेरी पत्नी थी और एक नॉर्मल कपल की तरह हमारे बीच भी फिजिकल रिलेशन था, तो स्वाभाविक है अगर मुझे एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे भी होगा। और बच्चे, उनका क्या, उन्हें क्यों मार डाला? बच्चे बेकसूर थे सर, उन्हें तो पता भी नहीं था कि हमने क्या प्लान किया, लेकिन हमारे जाने के बाद कौन संभालता उनको? मैं और निधि उन्हें अनाथ बनाकर नहीं जाना चाहते थे। समाज में जब सबको पता चलता कि उनके माँ बाप को एचआईवी पॉजिटिव है, जीना दुश्वार हो जाता उनका। यहां तुमने निधि के टेस्ट नहीं करवाए, बच्चों का कोई लेना देना नहीं था इनसे, और तुमने उन सब की जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। मैं और निधि नहीं चाहते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे किसी भी परेशानी का सामना करें, इसीलिए फैसला हमने मिलकर लिया था। लेकिन निधि तो मर गई और तुम जिंदा, तुमने अपनी बीमारी की वजह से निधि को मौत के मुंह में कूदने पर मजबूर किया, तुम डर गए? तुम मुझे भी मार दीजिए सर, मेरी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब चले गए, मुझे भी जीने का हक नहीं है सर, मार दीजिए सर, मुझे भी मार दीजिए सर। क्या बकवास कर रहा है आदमी सर, मुझे इसकी बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं सर, कुछ और ही हुआ है। कुछ और हुआ तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ये हमारे लिए भी जाना जरूरी है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, निधि के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और उसने हमें कुछ भी ना बताया हो। और सर रिपोर्ट्स कहाँ हैं जिसमें लिखा है कि निधि एचआईवी पॉजिटिव थी, और आशीष की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर मैं कह रहा हूँ बात कुछ और ही है। रविंद्र जी वही कुछ हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने आपके बेटे को टेस्ट के लिए भेजा, उसका कहना है कि उसने अपनी टेस्ट रिपोर्ट जला दी और निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं गए, फिलहाल उसने इतना ही कहा। सर झूठ बोल रहा है आदमी सर, वो हत्यारा है सर, उसने बच्चों को और निधि को मार डाला सर, उसने प्लान ही बनाया था निधि को और बच्चों को मारने का, उसका सर खुद मरने का कभी प्लान था ही नहीं, इसलिए बाहर अकेला जिंदा घूम रहा है सर। हम आशीष की टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, चार्जेस उसके बाद ही फाइल होंगे। आशीष को टेस्ट के लिए भेजा गया ताकि उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। या तो ये आशीष शर्मा झूठ बोल रहा है या तो फिर इसे गलत रिपोर्ट्स दी गई होंगी उन दोनों जगहों से जहां से भी इसने टेस्ट करवाए। ही इज नॉट एचआईवी पॉजिटिव। सर मुझे तो लगता है कि ये आशीष शर्मा झूठ बोल रहा है। मेरी सलाह तो यही है कि 2-3 लैब्स में और इसकी जांच होनी चाहिए। क्या निधि के ब्लड सैंपल से ऐसी कोई बात सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद ही बता देती, निधि एचआईवी पॉजिटिव नहीं थी। सर अब तो रिपोर्ट्स भी सामने आ गई और ये साफ हो गया कि ये बंदा सफेद झूठ बोल रहा है। ये पूरी इसकी प्लानिंग, बीवी को कॉन्फिडेंस मिले कि बीवी और बच्चों को मार दी, और प्लान भी ऐसा बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना दो। लेकिन किस लिए, मकसद क्या था? आशीष के ब्लड सैंपल्स दूसरे 2-3 लैब्स में टेस्ट के लिए भेजे गए और वहां भी रिजल्ट यही था, आशीष शर्मा एचआईवी पॉजिटिव नहीं था। आशीष से कड़ी पूछताछ की गई ताकि इस जुर्म का असल मकसद सामने आ सके, ये पता चल सके कि आशीष झूठ बोल रहा था या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आशीष ने जानबूझकर अपनी पत्नी को एचआईवी पॉजिटिव वाली बात पर यकीन दिलाया था ताकि वो निधि और बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके। लेकिन बार बार पूछने पर भी आशीष अपने पहले बयान पर टिका रहा। आशीष शर्मा पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के चार्जेस लगाए गए। केस के ट्रायल के दौरान भी आशीष इसी बात पर टिका रहा, यह उसका और उसकी पत्नी का आपसी सहमति से लिया गया फैसला था। ट्रायल के बाद आशीष शर्मा को उसकी पत्नी और बच्चों के मर्डर के चार्ज में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निधि का परिवार समझ ही नहीं पा रहा था कि निधि ने उनसे बात क्यों नहीं की, बिना कोई जांच पड़ताल किए उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया। आशीष के माता पिता भी अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आशीष ने ऐसे कैसे इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया, जबकि उसके पीछे का कारण बेमतलब था। आशीष ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? आशीष शर्मा की इस कहानी में सिर्फ उसका अपराध बोध सामने आया था, इसके अलावा इस घटना का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था।
जिन दो लैब्स में उसने पहले टेस्ट करवाए थे शायद वहीं से उसे सच में गलत रिपोर्ट्स दिए गए थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। आशीष को उन दोनों शहरों में ले जाया गया जहां उसने ये जांच करवाई थी, लेकिन आशीष को ना तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के नाम याद थे और ना ही उनकी लोकेशन, और ना ही किसी लैब में पुलिस को आशीष के नाम के ब्लड रिपोर्ट के रिकॉर्ड्स मिले। क्या आशीष झूठ बोल रहा था या इस सब के पीछे कोई और मकसद था? इस पूरे केस को बहुत ही बारीकी से स्कैन किया गया, लेकिन ना तो आशीष का कोई लव अफेयर और ना ही उसके अतीत की कोई प्रेम कहानी सामने आई जो इस खतरनाक और दुखद अंत के पीछे का मकसद हो सकता था। एक आदमी अपनी बीमारी को लेकर बेफजूल के डर की वजह से अपने ही परिवार को तबाह कर बैठा, पछतावा और सिर्फ पछतावा। बदकिस्मती से ना तो हम गुजरे हुए समय को वापस ला सकते हैं और ना ही उठाए गए कदम को वापस मोड़ सकते हैं। आशीष ने जो सड़क ली थी उसका कोई यूटर्न नहीं था। समझदारी इसी बात में होती कि आशीष सेकेंड ओपिनियन लेता, अपने करीबी रिश्तेदारों से बात करता। ऐसे नाजुक हालात में आपके अपने ही आपको सहारा दे सकते हैं, ऐसा भयानक कदम उठाने से रोक सकते हैं। अगर आशीष ने भी समझदारी दिखाई होती तो वो तीन मासूम जानें बच सकती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।